चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामाजिक विज्ञान में कैसे 90 प्लस अंक ला सकते हैं। यानी सामाजिक विज्ञान में 99% अंक लाने का कुछ मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। यदि आप उसका अप्लाई लगभग 4 से 5 महीने कर लेते हैं ना, तो सामाजिक विज्ञान में 99% आपकी नंबर आ सकती है। तो ध्यान से मेरी सारी बातों को समझेंगे आप। देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि कोचिंग और स्कूल दोनों जाना है, और वहां पर आपको टाइम से यानी एग्जाम के लगभग 2 से 3 महीने पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कराना है। सामाजिक विज्ञान में जो भी आपका 5-6 वो किताब होता है, उन सभी को एग्जाम से 2-3 महीने पहले आपको क्लियर कराना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम से अगर मान लीजिए दो तीन महीने पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होता है सब, तो रिवीजन करने का आपको टाइम मिलेगा। तो अपने कोचिंग और स्कूल पर दबाव डालना है, वहां पर क्या करना है कि कैसे दबाव बनाकर आपको पढ़ाई करना है कि हमारा एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण चैप्टर खत्म हो जाए। उसके बाद आपका स्कूल कोचिंग में मान लीजिए रोज एक एक चैप्टर पढ़ाई होता है, तो घर पर आकर उसको पढ़े और उसका आप नोट्स तैयार करें, उसको याद करें, उसको समझे। अगर सोचिए स्कूल कोचिंग में सिर्फ आपका चैप्टर पढ़ाई हो रहा है और फिर याद नहीं करें, उसका नोट्स तैयार नहीं करें, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो भी आपके कोचिंग स्कूल में सिलेबस आपके पढ़ाई हो रहा है रोज का रोज, अगर रोज एक एक चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, चाहे एक एक टॉपिक पढ़ाई हो रहे हैं, तो बाबू उसको आप घर पर आकर पढ़िए, उसको समझिए। इस सब चीज को अपने दिमाग में क्या करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोचिंग और स्कूल में आपका जो जो चैप्टर्स पढ़ाई होते हैं, उसको घर पर आकर पढ़ना और उसको क्या तैयार करना, नोट्स तैयार करना है। और तीसरी बात है, जो भी आपका किताब है सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में, जो भी आपका 5-6 किताब है, उन सभी के लिए टाइम टेबल बनाइए। कम से कम रोज का रोज सामाजिक विज्ञान में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो कम से कम 2 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटे आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा किसके लिए, ये आपको सामाजिक विज्ञान के लिए, सोशल साइंस के लिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छा नंबर आएगा। इस चीज को आप बैठा लीजिए अपने दिमाग में, सामाजिक विज्ञान में अगर नंबर लाना चाहते हैं, तो कम से कम रोज सामाजिक विज्ञान में आपको 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, याद रखिए, ठीक है ना। और देखो, चौथी बात है, अगर आप नंबर लाना चाहते हैं, दो और काम करिएगा, 2-3 काम करना है। मॉडल पेपर, एग्जाम के लगभग 6 महीने पहले हर विषय का एक मॉडल सेट आता है, तो मॉडल सेट आप खरीद कर उसके अनुसार सामाजिक विज्ञान की तैयारी करें। देखो, मॉडल सेट पढ़ने से, मॉडल सेट से क्या होता है कि लगभग 50 से 70% क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में लड़ जाते हैं बाबू। तो इस सब चीज को ध्यान रखने वाली बात है, मॉडल पेपर को सॉल्व करिए, ठीक है। जितना भी उसमें सामाजिक विज्ञान का सेट है, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, कम से कम मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब होता है मान लीजिए अगर 2023 में आप एग्जाम दे रहे हो या 2024 में आप एग्जाम दे रहे हो, तो ठीक उसके पिछले वाले साल का पेपर, जैसे 2022 का क्वेश्चन पेपर, 2021 का क्वेश्चन पेपर, 2020 का क्वेश्चन पेपर, 2019 का क्वेश्चन पेपर। मेरे कहने का इतना मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब होता है, क्वेश्चन पेपर का मतलब होता है कि जो आपका एग्जाम हो गया है उस पेपर को सॉल्व करना है। तो सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करिए, ठीक है। और उसके साथ में जो क्वेश्चन बैंक आते हैं, क्वेश्चन बैंक से भी आपको क्या करना है, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर लगातार आप 1 से 1.5 महीने या 2 महीने इन तीनों चीज पर ध्यान दे दिए, मॉडल पेपर पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, क्वेश्चन बैंक पर, इन तीनों चीजों पर यदि आप फोकस बना लेते हो, 3 महीने 2 महीने लगातार आप इस पर टाइम देते हो और तैयारी करते हैं, तो बाबू आपका सामाजिक विज्ञान बहुत अच्छा हो जाएगा। और छठी बात है, आप रिवीजन पर भी फोकस करेंगे। जिस तरह से आपका रोज अगर एक एक चैप्टर पढ़ाई हो रहा है, तो आप उसमें टाइम बांट दीजिए कि मुझे रोज यहाँ से यहाँ तक रिवीजन करना है, यहाँ से यहाँ तक याद करना है, यहाँ से यहाँ तक मुझे पढ़ना है, रोज एक एक चैप्टर पढ़ना है, एक एक चैप्टर का नोट्स बनाना है, इतना समझ लेना है। टाइम आपको देना पड़ेगा रिवीजन का। अगर रिवीजन का टाइम नहीं पाएंगे, तो बाबू आपका जो ना ये चैप्टर तो खत्म हो जाएगी, लेकिन सारी बातें आपको दिमाग में बैठ नहीं पाएगी। तो ये सब चीज ध्यान रखो, रिवीजन करने से आपका राइटिंग भी सुंदर हो जाती है, इसी कारण से रिवीजन पर मैं जोर डाला हूं। और छठी बात है, आपको देखो क्या करना है बाबू, छठी बात है मैं OTQ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब सामाजिक विज्ञान में किस टाइप से प्रश्न आते हैं, पैटर्न को समझ लीजिएगा। देखो, सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव आते हैं, बिहार बोर्ड की अगर बात करूँ, ये सभी बोर्ड के बच्चे अप्लाई करेंगे, अपने पैटर्न को समझेंगे। खासकर बिहार बोर्ड की बात करूँ, तो उसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, 2 नंबरिया आते हैं और 5 नंबरिया प्रश्न आते हैं, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आते हैं। तो आपका पैटर्न जिस आधार पर सामाजिक विज्ञान का प्रश्न करता है, उसी आधार पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव का नोट्स बना लीजिए, 2 नंबरिया का नोट्स बना लीजिए, 5 नंबरिया प्रश्न का नोट्स बना लीजिए। 3 टाइप से प्रश्न आ रहा है, जिस टाइप से प्रश्न आ रहा है उस टाइप से आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, और लगातार 2-3 महीने आप इस पैटर्न के अनुसार तैयारी करेंगे ना, सारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ जाएगा। अच्छा सोचो, अगर 1000 ऑब्जेक्टिव याद करोगे तो 40-50 को नहीं लड़ेगी, गारंटी के साथ में बोला हूं कि लड़ेगी। और ध्यान दीजिएगा, अब जब भी चैप्टर पढ़ो भाई, एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं।
तो एनसीईआरटी बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छाड़ लीजिए, दो नंबर वाले प्रश्न को छाड़ लीजिए, पांच नंबर वाले प्रश्न को छाड़ लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए और बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। 100% मैं बोलूंगा कि आपका सामाजिक विज्ञान में नंबर बेटर आ जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक को पढ़े, अपने कोचिंग और स्कूल में बोले कि एग्जाम के 2-3 महीने पहले मेरा सिलेबस क्या होनी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए, और आकर घर पर उसको पढ़ना है, उसका नोट्स तैयार करना है, टाइम टेबल बनाना है, कम से कम 2 घंटे सामाजिक विज्ञान को रोज टाइम देना होगा, और मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, इन सभी के क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा सामाजिक विज्ञान में, और रिवीजन ज्यादा करना पड़ेगा, रिवीजन पर आपको टाइम देना पड़ेगा। या तो आप साप्ताहिक रिवीजन करिए, नहीं तो मंथली रिवीजन करिए, इस पर आप फोकस करिए। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरिया और 5 नंबरिया प्रश्न छाट लीजिए और अपना उसका नोट्स बनाते चले, क्योंकि इसी टाइप का आपका प्रश्न करता है। अगर मेरे बताए गए इन 5 से 6 तरीकों का आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे ना बाबू, आपका एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में 99% अंक आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ मार्क दिखा सकते हैं, चलना तो आपको ही उस रास्ते पर है ना। तो इसलिए ध्यान से मेरी बातों को समझिए और उसके अनुसार आप पढ़ाई करना शुरू करिए। आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली है, तो बाबू इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।